कहीं पे आप जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, लग रहा है बिल्कुल पानी की तरह है, थोड़ा पंचीनेस कम है इसका, गोली की तरह निकलती है। साइलेंट है। हाँ बैक टू माई चैनल। तो अभी इस समय हम बैठे हैं कुशाक में, कुशाक के एम्बिशन वेरिएंट में, 1 लीटर TSI मैनुअल में। और आज की वीडियो में मेरे डैड, जैसे कि आपको पता है ये तो ड्रैग रेस में भी हमने देखा है चलाते हैं, बहुत मतलब जो होता है ना हैवी ड्राइवर है, आज ये कुशाक को चलाने वाले हैं और ये एज अ पर्सपेक्टिव देंगे बेंटो ओनर के टाइप से। बिकॉज कुशाक और वेंटो में एक डिफरेंस जो सबसे ज्यादा है ना, जो काफी लोगों को कम पता है, वो ये है कि दोनों में 1 लीटर TSI आता है, लेकिन वेंटो में इंपोर्टेड 1 लीटर TSI आता था। बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि VW वाले उस इंजन को टेस्ट कर रहे थे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। और अब क्या है, अब ये इन्होंने फिर इसको लोकलाइज प्रोड्यूस किया और थोड़ा सा ना ट्यूनिंग में चेंज किया था, गियर रेशियोज हो गए और ट्यूनिंग हो गई, अग्रेसिवनेस थोड़ी सी ना इनकी डिम करी थी ताकि माइलेज ज्यादा दे और इंडियन कंडीशन के हिसाब से ज्यादा सूटेड रहे। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि जो लोकलाइज 1 लीटर TSI आता है कुशाक में उसमें और जो 1 लीटर TSI वेंटो में आता है उसमें क्या क्या फर्क है। पहला डिफरेंस तो इसमें यही है कि नॉर्मली वेंटो क्या है, क्या आते हैं, चाबी डालो, इग्निशन अपना ऑन करो, स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ। क्या है डिफरेंस, ये है कि नीड टू प्रेस द क्लच, उसके बाद ही इग्निशन ऑन होगा। तो अब आप चला रहे हो गाड़ी, तो सबसे अब आपने पहले तो क्लच ने डिफरेंस बताया था कि क्लच दबा के ऑन होती है गाड़ी, ये डिफरेंस था सबसे पहला। चलो वो तो आजकल हर गाड़ी में ही आने लग गया, इवन कंपस में भी क्लच दबा के ऑन होता है। अब यहाँ पर जैसे रोड जी आई है, आप इसमें बताना कि सस्पेंशन में क्या डिफरेंस लगा वेंटो और इसके। इसमें जाओ बम्पी रोड पे तो थोड़ा बॉडी रोल होता है, मतलब अनस्टेबिलिटी आती है, बॉडी रोल नहीं होगा वो, मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल सी हो जाती है। हाँ फील होती है, इसमें नहीं होती है इतनी, वो SUV स्टांस है तो थोड़ा। हाँ हाँ, तो मतलब इसमें आपको झटके कम फील हो रहे हैं, वेंटो में झटके फील होते हैं बहुत ज्यादा। और पंच कैसा है इसका? पंच अच्छा है इसका, पंच अच्छा है। अच्छा मेरे को एक चीज ये लग रही है इसका ना, इंजन मेरे को ज्यादा ना रिफाइंड लग रहा है ना, इसमें आवाज कम आ रही है वेंटो के कंपैरिजन में। और हैंडलिंग कैसी लग रही है आपको इसकी? हैंडलिंग अच्छी लगी आपको इसकी? मतलब सिटी के हिसाब से तो बहुत लाइट होगा इसका स्टीयरिंग कंपेयर टू वेंटो, सिटी में तो आसानी से चल जाएगी। मतलब इसमें भी क्या है, हाई स्पीड पे आप जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, मतलब यू फील कॉन्फिडेंट कि भाई ठीक है नहीं चल रही है, मतलब स्टेबिलिटी वाला ऐसा नहीं है कि SUV है तो स्टेबल नहीं है। यस एग्जैक्टली, स्टेबल फील हो रही है, कॉन्फिडेंस फील करते हो आप, मतलब इजीली आप इसको रेव अप करते हो। ये चीज आपको फील हो रही है। और हैंडलिंग मतलब हाई स्पीड पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ये कुछ, मतलब जैसे वेंटो का तो ऑन मतलब गाड़ी चलती भारी रहता है उसका स्टीयरिंग, इसमें थोड़ा जो मुझे थोड़ा लाइट लगा आपको स्टीयरिंग व्हील, काफी लाइट लगा इसका, बहुत ज्यादा लाइट है, मतलब ये ऐसे लग रहा है बिल्कुल पानी की तरह है। XUV 7W की तरह है क्या? XUV 7W का अपने को याद नहीं है ऐसा कि वो अच्छा टाइम हो गया। अच्छा वेंटो कंपैरिजन में वो थोड़ा पंचीनेस कम है इसका। हाँ वेंटो से कम होगी थोड़ी पंचीनेस, क्या है बिल्कुल जैसे सेकंड गियर में उसको एकदम रेवर करो तो वो गोली की तरह निकलती है। हाँ 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 हाँ, वो इसमें है, वो उसमें हल्का सा है। अदरवाइज इसमें ये स्टेबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, अच्छी चल रही है, चिपक के चल रही है काफी ना, ऐसा SUV देखो तो काफी ऐसा आपको वो नहीं, अनश्योर नहीं रहोगे कि पलट जाएगी गाड़ी या फिर हो जाएगा। हाँ हाँ, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फील नहीं हो रहा है। मतलब मैं पता क्या है, पंच की कमी नहीं है इसका इंजन ना, हल्का सा स्लो रेविंग है कंपेयर टू वेंटो, बहुत साइलेंट है। हाँ अब जैसे बंद हो गया ना इंजन, तो मतलब इसका हल्का सा ना स्लो रेविंग है कंपेयर टू वो, इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आता है ना, वेंटो में नहीं आता ये। अच्छा क्लच कैसा, फीचर अच्छा है, मतलब फीचर्स ही है, क्लच अच्छा है, क्लच बहुत लाइट है इसका। नहीं मतलब वेंटो के कंपैरिजन में इसका थ्रो कैसा है क्लच का, उतना ही है या वैसा ही है? नहीं मतलब आपको वेंटो और इसके क्लच में कोई डिफरेंस नहीं फील हुआ? क्लच तो वही फील है, क्लच में वही फील है। उसमें जो इम्पोर्टेड 1 लीटर TSI था वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा था, वेरस ये क्या है ये माइलेज ओरिएंटेड ज्यादा है, तो ये माइलेज ज्यादा देगा वेंटो से इजीली, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ओनर ने भी हमें बताया कि 22 से 23 की दे देती है ये माइलेज 20 वो उसमें हाईवे पे, वेरस वेंटो इतनी नहीं दे पाती, वेंटो 18 से 19 की देती है और सिटी में ये 16 की देती है, वेंटो सिटी में 11 से 12 की देती है, तो वो एक चीज है। तो यहां पर आप डिफरेंस देखो कितना क्लेवरली चेंज किया है ट्यूनिंग को,
कि इंडिया के हिसाब से पंच भी दे दिया बिकॉज ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर कोई वेंटो ओनर चलाएगा ना तभी उसको नोटिस होगा कि इसमें हल्का सा पंच कम है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल कस्टमर जाके चलाएगा तो उसको बहुत ज्यादा पंच लगेगा इसमें। प्लस क्या है, इसमें माइलेज भी ज्यादा आ गई वेंटो से, तो ये इन्होंने थोड़ा सा क्लेवर प्ले कर दिया VW वालों ने कि थोड़ा सा माइलेज भी दे दी और परफॉर्मेंस दोनों दे दी, बिकॉज वेंटो में क्या है माइलेज थोड़ी कम होती है, परफॉर्मेंस उसमें बहुत ज्यादा मिल जाती है लेकिन माइलेज उसमें थोड़ी सी कम मिलती है उस मामले में। दूसरा क्या है ना, जैसे इस सेगमेंट में जितनी भी SUVs है, हाँ हाँ हाँ, लाइक फॉर इंस्टेंस क्रेटा सेल्टोस, आप सोनेट ले लो या सेल्टोस ले लो, हाँ हाँ हाँ, कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा पंची है, हाँ, उनके तो वो तो आसपास में आएंगे, हाँ, 5.5 तो छोड़ दो, वो तो क्या है वो तो लीग ही है, बट ये 1 लीटर भी बहुत ज्यादा पंची है ना, मतलब उनसे कंपेयर करोगे तो ये मच मच बेटर इंजन है परफॉर्मेंस वाइज। आपने कुछ वो आपने सेल्टोस 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड भी तो चला ही रखा है, वो तो खींचता ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो तो है गाइस। 1 लीटर को सोच के लोगों को लगता है कि अंडर पावर्ड है, लेकिन ये 1 लीटर ही 1.5 लीटर है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बैंड बजा देता है। स्टेबिलिटी वाइज स्टेबल ज्यादा कौन सी लगी, मतलब स्टेबल तो ये भी है, स्टेबल वेंटो भी है, लेकिन वेस्ट वेंटो देखो सेडान है तो, हाँ सेडान है तो उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, एसयूवी के हिसाब से कंपेयर करोगे सेल्टो से बेटर है ये, स्टेबिलिटी अच्छी है। सेल्टो और उन सबसे आपको इसकी स्टेबिलिटी बेटर लगी ना, ब्रेक्स भी अच्छे हैं, बढ़िया। वेंटो के कंपैरिजन में कैसे लगे आपको ब्रेक्स, सिमिलर? पुरानी गाड़ियां चलाओगे ना पोलो रैपिड वेंटो, उनमें आपको थोड़ा सा एग्रेसिवनेस ज्यादा दिखेगी, स्टेबल चलती है बिल्कुल, चिपके चल रही है, स्टीयरिंग व्हील का रिस्पांस अच्छा है, इसका का स्टीयरिंग क्या है इससे कंपैरेटिवली हैवी है, हाँ, इसका हाँ, बहुत लाइट स्टीयरिंग व्हील है, ये बहुत इजीली क्या आते हैं मनूवर हो रहा है, इसे आप इसको कर सकते हो, मतलब वेंटो में नहीं कर सकते हो आप, ये है तो इससे डबल है वो हैवीनेस में ना, हैवीनेस, हाँ, तो सिटी में आपको ये ज्यादा इजी लगेगी चलाने में गाड़ी, मतलब इसकी मनूवरिंग बहुत अच्छी है, हाँ हाँ हाँ, इसकी स्टीयरिंग व्हील की ना, तो मतलब यही चीज है गाइस कि जो मतलब वेंटो में जो स्टेबिलिटी और हैंडलिंग आती है ना वैसी ये प्रोवाइड कर देती है ऑलमोस्ट, मतलब उतनी है ऑन पार, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 19-20 का फर्क है। प्लस क्या है कि ये ज्यादा वो है इजी टू ड्राइव है सिटी में, और बस थोड़ा सा एक्सेलरेशन का फर्क मुझे भी पता चला, बिकॉज वेंटो क्या है वो ना फर्स्ट गियर में अगर उसको ज्यादा एक्सेलरेशन दे देते हो तो वो व्हील स्पिन मार देती है, वो उसमें ना एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा सा है चीज, लेकिन ये है कि इसमें भी एडिक्वेट पंच दे रखा है, अगर आप वेंटो से कंपेयर करो ना तो एडिक्वेट पंच है, अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया पंच है, प्लस इसकी राइड क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है, तो ये है कि हाँ 1 लीटर मैनुअल अगर आप लो ना इन गाड़ियों का तो वो आपको सफिशियंट पंच प्रोवाइड करते हैं, और ना आपको कभी भी अंडर पावर नहीं फील होगा। वेंटो की तो गाइस आपने ड्रैग रेस ही देखी है, वो सारी गाड़ियों को ही खा जाती है, तो वो चीज तो आपको पता ही है। पंच में थोड़ा आप कह सकते हो फर्क होगा, वो तो कभी हम किसी 1 लीटर TSI से वो ड्रैग करके भी पता चल जाएगा हमें कभी, लेकिन वैसे सही है ये गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज, आपको सही लगी ना गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, मतलब 13 लाख में ये जो 1 लीटर TSI मैनुअल है ये कहीं से आपको अंडर पावर लगा कुछ आंख में? नहीं बिल्कुल, हाँ, और वो पंच थोड़ा सा कम इसलिए भी तो लगा होगा ना, वेट भी तो ज्यादा है इसका, ले सकते हैं गाड़ी यार, ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो एज अ मेन कार भी कंसीडर कर सकते हैं, नॉर्मली जो इस स्पेस वाइज भी वो है सेल्टोस और क्रेटा देखने जा रहा है तो इसको भी एज अ मेन कार कंसीडर कर सकता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नो डाउट क्या है क्रेटा और सेल्टोस से मच बेटर है, सोनेट से भी उन सबसे ये दुनिया भर के फीचर्स देते हैं वो कोई यूज नहीं करता, रियल लाइफ में यूज नहीं करते, डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, जो बेसिक फीचर्स आपको चाहिए वो सारे इसमें दे रखे हैं, एसी होना चाहिए, अब ये स्टॉप स्टार्ट वो भी है इसमें, ये ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ऑटो स्टॉप स्टार्ट है, तो वो ये सारी चीजें हैं भाई, माइलेज वाइलेज अच्छी दे रही है, तो वो जो यही चाहिए होता है और कोई ऐसा कोई फीचर इतना चाहिए भी नहीं होता गाड़ी में, आप डे टू डे यूज में यही चीजें यूज करते हैं, तो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है ये कार, ऐसा नहीं है कि ओवर प्राइस है या कुछ ऐसा है, नहीं, जो भी वो मांग रहे हैं तो आई मीन ये डिजर्व करती है गाड़ी। तो गाइस यही था कुछ एक्सपीरियंस मेरे डैड का एज अ वेंटो ओनर, उन्होंने एज अ वेंटो ओनर कुछ आग चलाई और अपने थॉट्स बताए, और मेरे को भी जो जो फील हुआ बिकॉज मैं भी चलाता हूँ वेंटो, तो मेरे को भी जो जो फील हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया साथ में, तो बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना आपने अगर ऐसा मतलब आपको अगर पोलो या वेंटो ओनर और आपने स्लाविया और ये सब चला रखी है कुछ आग, आपको क्या डिफरेंस हमारे जैसे लगा था बताना, आप अग्री करते हो या नहीं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी बड़े से वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।